हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ग्रेट पीपल ग्रेट आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जिस तरह के तमिल में आप लोगों ने देखा, मेरियन बायोटेक ये एक मेडिसिन कंपनी है इंडियन। इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनकी एक प्रोडक्ट है कफ सीरप, यानी कांसी का शरबत। ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सप्लाई करते हैं अपनी मेडिसिन, क्योंकि हर ममालिक के अंदर इनके एजेंट्स होते हैं, डीलर्स जो इनसे मेडिसिन लेकर आगे छोटे दुकानदारों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनकी मेडिसिन कफ सीरप की वजह से काफ़ी ममालिक के अंदर बच्चों की अमवात हुई। लेकिन इसका अगर तकलीफ़ या गम है तो सिर्फ पेरेंट्स को, कंपनी की जो ऑनर है मेडिसिन, उसको कोई ना तो कोई तकलीफ़ है, ना उसको कोई शर्म, ना कोई हया, ना उसको कोई अफसोस, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे कमाना, डॉलर कमाना, ये उनका काम है। क्योंकि अगर प्रॉपर मेडिसिन कंपनी के अंदर चेक इन बैलेंस हो, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजर्स, हर चीज़ अगर प्रॉपर हो, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स, इनके फार्मासिस्ट अगर अवेलेबल हो, तो कभी ये चीज़ वाकई नहीं होती। तो इट्स मींस कि इस कंपनी के जो अंदर फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स और जो इस फार्मा का ऑनर है, और नालायक निकट्टू, तो ये बात गलत नहीं होगा। जो लोग समझदार हैं, तो प्लीज़ मेरे मोहतरम पाकिस्तानी बहन भाइयों, तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडियंस कंपनी की मेडिसिन का बायकॉट कीजिए। अपनी और अपने बच्चों के सेहत के साथ मत खेलें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है इंसान को, और फिर सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो प्लीज़ सस्ते अद्वियात में, इसकी आड़ में अपने बच्चों का सेहत मत ख़राब करें। अच्छी कंपनी का इंतखाब कीजिए, और अपने मुल्क के अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं उसको भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी अच्छी कंपनीज हैं हर्बल, होम्योपैथिक और फार्मास्यूटिकल्स, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं कमिंग दिनों में बनाऊँगा एक वीडियो, तफसीली वीडियो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ तमाम कंपनीज जितनी भी है इंडियन कंपनी मेडिसिन की, तो उसका बायकॉट कीजिए, उनकी मेडिसिन इस्तेमाल मत करें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनकी मेडिसिन की वजह से आप या आपके बच्चों को कोई भी उनको तकलीफ पहुंची है, तो पाकिस्तान में के अंदर बैठ कर आप उस कंपनी के ऑनर के ऊपर कोई फायर वगैरह नहीं कटवा सकते। तो इससे बेहतर हो कि आप उनकी सस्ती मेडिसिन इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन जिस कंपनी के अंदर उनके फार्मासिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और उनके सीईओ निकट्टू और सफारसी हो, तो आप मुझे बताएं वो क्या अच्छी मेडिसिन बनाएंगे। क्योंकि ऐसी इस कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, उनका काम है सिर्फ पैसे कमाना। उनको कोई सरोकार नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहे हैं, किसके बच्चे मर रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ उसको होती है जिसके बच्चे मर गए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने ग्रुप के अंदर वीडियो को लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद न्यू इस तरह वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और बिल का निशान भी दबाए ऑल के ऊपर, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम हमारे जितने भी बहन भाई हैं इस वीडियो को देख सके, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दुआ में याद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।